नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आज हम लोग बात करेंगे लेमिनेट्स और वेनियर के बीच के डिफरेंस के बारे में। लेमिनेट्स से मेरा मतलब है सनमाइका। सनमाइका और लेमिनेट एक्चुअली एक ही चीज़ होती है। और जैसे सनमाइका होता है उसमें आपके बहुत सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन रहते हैं, वैसे ही आपका वेनियर्स भी रहते हैं जिसमें आपके वुडन टेक्सचर के बहुत सारे डिजाइन रहते हैं। तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसमें डिफरेंस में कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर इन दोनों में से उन लोगों को कौन सा चूज करना चाहिए। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग उस प्रॉब्लम को, उस डाउट को आप लोग के क्लियर कर देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों के परचेज का जो डिसीजन रहेगा उसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिलेगी कि आप लोगों को इन दोनों में से कौन सा आप लोगों को परचेज करना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, सीधे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि आखिर ये दोनों मटेरियल आखिर बनते कैसे। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे वेनियर के बारे में बात करके चले तो वेनियर एक एक्चुअली वुड का लॉग जैसा रहता है, उसकी पतली सी एक लेयर रहती है, उसको वेनियर कहा जाता है। तो वो पतली सी जो लेयर रहती है उसी को आप लोग सीधा पेस्ट कर देते हैं अपने अपने जैसे कि कोई फर्नीचर वगैरह हो गया उसके ऊपर, तो ये आपके वेनियर हो गई। तो अगर हम लोग यहाँ पे सनमाइका के बारे में बात करें चले तो सनमाइका एक कम्प्लीटली आर्टिफिशियल टाइप का एक मटीरियल होता है जिसको कम्प्लीटली आप लोग फैक्ट्री में ही लोग बना देते हैं ए टू जेड। तो उसमें एक्चुअली क्या रहता है कि उसमें आप लोगों को बहुत सारे टाइप के आप लोगों को डिजाइंस टेक्सचर्स वगैरह आप लोगों को मिल जाते हैं। तो ये उसमें एक बहुत बड़ी खासियत हो जाती है। और आज के डेट में अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे ऐसे भी सनमाइकाज आने लग गए हैं जिसमें कि आप लोग हमने खुद के पसंद के कस्टमाइज उसके ऊपर आप लोग हमने थीम्स को आप लोग ऐसे प्रिंट करवा सकते हैं डिजिटल प्रिंटर के। तो ये उसमें काफ़ी बड़ा आप लोगों को एडवांटेज मिल जाता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे वेनियर के बारे में बात करके चले तो वेनियर बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट रहता है जो कम्प्लीटली नेचुरल रहता है। नेचुरल से मेरा मतलब है कि उसमें एक एक जो ग्रेन रहता है वो सारा का सारा आपका यूनिक आप लोगों को मिलेगा और वैसा आप लोगों को किसी और जगह पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। या इसका ये मतलब है कि अगर आप लोगों ने अपने घर में वेनियर्स को लगवा लिया तो आप लोग हो सकता है कि आप लोगों को वैसा सेम कलर आप लोगों को कभी भी आप लोगों को कहीं और आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। तो वो एक एक्सक्लूसिविटी आप लोगों को वहाँ पे मिल जाती है। और साथ ही साथ वेनियर्स के जितने भी फर्नीचर्स रहते हैं उन लोगों को जब भी आप लोग देखेंगे और उन लोगों को टच करेंगे फील करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा आप लोगों को वैसे आपको कामनेस आपको फील होगी और बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोग ऐसे नेचुरल आप लोगों को फीलिंग उसमें आती है। और जो कि ये आज के डेट में लेमिनेट्स में आप लोग को थोड़ा बहुत वो लोग दे सकते हैं जैसे कि आपका जैसे उसमें वुडन टेक्सचर जैसे रहता है, लेमिनेट्स में भी ऐसा रहता है वुडन टेक्सचर वाले, पर उसमें एक्चुअली क्या रहता है उसमें थोड़ा बहुत आपका फील रहेगा लेकिन इन दी एंड वो आप लोगों को एक आर्टिफिशियल फील आप लोगों को लेमिनेट्स दे पाएगी। तो अभी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसकी ड्यूरेबिलिटी आप लोगों को कैसी आप लोगों को मिलती है। तो ड्यूरेबिलिटी की अगर यहाँ पे बात करके चलें तो ड्यूरेबिलिटी आप लोगों की बेसिकली आपकी लेमिनेट्स जैसे रहती हैं उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को मिल जाती है। ड्यूरेबिलिटी से मेरा ये मतलब है कि अगर आपके लेमिनेट के ऊपर अगर ऐसे धक्का लगा या कुछ ऐसे अगर आपको ऐसे कुछ टकराई किसी भी चीज़ तो बेसिकली क्या होगा कि लेमिनेट्स जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा उसके फोर्स को वो झेल लेगी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे वेनियर्स के बारे में बात करें चले तो वेनियर्स बेसिकली आपका उतना ज़्यादा आपका अच्छा नहीं रहता है उस चीज़ को झेलने में क्योंकि वो जो है वो कम्प्लीटली आपके नेचुरल मटेरियल से बना रहता है और उसकी जो लेयर जो रहती है काफ़ी ज़्यादा पतली रहती है। तो इस चीज़ का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि कहीं से भी उसको किस तरीके का ऐसे धक्का या ऐसे चोट न लगे आपका भी वेनियर्स को क्योंकि उससे उसके डैमेज होने के खतरा जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके साथ ही साथ उसमें एक और प्रॉब्लम ये भी रहती है कि वेनियर अगर आप लोगों ने एक टाइप का अगर आप लोगों ने लगवाया और वो डैमेज अगर गलती से अगर हो भी गया तो दूसरा वेनियर आप लोग ला करके बिल्कुल सेम आप लोगों को वैसा भी नहीं मिलेगा। उसके पैटर्न में भी थोड़ा बहुत आप लोगों को चेंजेस देखने को आप लोगों को मिल ही जाएंगे क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो कम्प्लीटली यूनिक रहता है तो ये उसमें एक थोड़ी प्रॉब्लम आती है। और अगर नियम नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे लाइफ स्पैन के बारे में बात करके चले कि अगर कौन सी चीज़ ज़्यादा सालों तक आपकी चल जाएगी तो बेसिकली अगर यहाँ पे लेमिनेट्स के बारे में बात करें चले तो लेमिनेट्स की लाइफ स्पैन वेनियर से कम रहती है। तो अगर लेमिनेट्स की अगर बात करें चले तो लेमिनेट जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि जिस लेमिनेट पर आपकी सनलाइट आप लोगों की पड़ती है तो बेसिकली जैसे आपकी बालकनी वगैरह हो गई उस पर आपके दरवाजों के ऊपर आपके लेमिनेट बाहर की तरफ ऐसे लगा हुआ है और वहाँ पर अगर आप लोगों की सनलाइट पड़ रही है तो सनलाइट से बेसिकली क्या होगा कि कुछ सालों में उसका जो कलर जो है वो फेड हो जाएगा आपके लेमिनेट्स का। पर ये प्रॉब्लम आपके वेनियर्स में नहीं आती है। वेनियर्स जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहती है और उसका कलर जो है वो कभी भी फेड नहीं होता है। तो ये उसमें आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोगों को एडवांटेज मिल जाता है। बस उसमें एक बात और रहती है कि वेनियर्स में आप लोगों को उसको पॉलिश आप लोगों को करवाना पड़ता है। तो अभी उसके बारे में हम लोग अभी नेक्स्ट पॉइंट में बात कर लेते हैं।
तो अभी नेक्स्ट हम लोग का इंस्टॉलेशन के बारे में अभी हम लोग बात कर लेते हैं। तो इंस्टॉलेशन का मतलब बेसिकली होगा कि आखिर आप लोगों को लेमिनेट्स को आप लोग कैसे चिपकाएंगे। तो बेसिकली लेमिनेट्स में क्या रहता है, उसमें ज़्यादा इंस्टॉलेशन ऐसा नहीं रहता है। लेमिनेट्स को बेसिकली कोई भी अगर कारपेंटर रहता है तो उसको नॉर्मली वो उसको पेस्ट कर देगा और उसका काम वहीं पर हो जाता है। और अगर हम लोग यहाँ पे वीनियर के बारे में बात करके चले तो वीनियर्स में बेसिकली आप लोगों को पहले उसको रफ करना रहता है सैंड पेपर से आपके कारपेंटर को, फिर उसके बाद उसको पेस्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद एंड में उसके ऊपर मेलवाइल की या पीयू की ऐसे पॉलिश उसमें रहती है उसको वो लगाते हैं। तो ये ऐसे तीन उसमें स्टेप्स हो जाते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे सनमाइका का अगर इंस्टॉल करवाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कम उसमें हैसल पड़ता है, काफ़ी ईजिली वो इंस्टॉल हो जाता है। बजाय अगर हम लोग यहाँ पे वीनियर को अगर हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल करवाते हैं तो उसमें थोड़ी आप लोग की एक छोटी सी उसमें ऐसे प्रोसेस रहती है। तो इसके साथ साथ उसका नेक्स्ट एक और पॉइंट रहता है, उसका मेंटेनेंस आखिर कैसा रहता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे मेंटेनेंस के बारे में बात करके चलें तो मेंटेनेंस बेसिकली इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस आ जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लेमिनेट्स के बारे में बात करके चलें तो लेमिनेट्स में बेसिकली आप लोगों का जीरो मेंटेनेंस रहता है, यानी कि अगर आप लोगों ने एक बार उसको पेस्ट करवा दिया तो अब जब नेक्स्ट टाइम जब आप लोग उसको करवाएंगे पेस्ट तो फिर सीधा वो उस टाइम होगा, उसके बीच में हम लोगों का कभी भी आप लोगों का कॉस्ट उसके बीच में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे वीनियर के बारे में बात करें चलें तो वीनियर बेसिकली अगर आप लोगों ने उसको इंस्टॉल करवा लिया तो टाइम टू टाइम जैसे कुछ सालों के बाद उसका जो पॉलिश जो रहेगा वो वेयर ऑफ हो जाएगा, तो फिर उसको बार बार आप लोगों को उसको पॉलिश जैसे करवाते रहना पड़ता है। बताइए आप लोगों को बर्डन ऐसा लगेगा कि इसको बार बार आपको ऐसा करवाना पड़ेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो भी अगर देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आपके एयर कंडीशनर का जैसे आपका होता ही है सर्विसिंग या तो आपके घर में पेंट वगैरह होता है जैसे जिस समय, उसी समय आप लोग अपना अपने वीनियर्स को भी आप लोग पॉलिश करवा सकते हैं उस समय। तो एक तरीके से देखा जाए तो उससे तो थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को हैसल है, लेकिन अगर देखा जाए तो नहीं भी है एक तरीके से। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे आप लोग उसको देखते हैं उस प्रॉब्लम को। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कुछ ही दिनों में एक्चुअली मैं वीनियर के ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो में लाने वाला हूँ। उस डिटेल्ड वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ऐसे कवर करेंगे कि आखिर वीनियर होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, और बेसिकली उसमें इंस्टॉलेशन का चार्जेस कितने लगेंगे, उसके मेंटेनेंस का कॉस्ट क्या रहेगा, और उसके साथ साथ आखिर आप वीनियर्स लेंगे तो उसके प्राइस वगैरह क्या रहेंगे, उन सबको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए मैं अभी बोलूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जैसे कि आप लोग उस वीडियो को अपन मिस ना कर दें। तो और उसके साथ साथ अगर मान लीजिए अगर मैंने उस वीडियो को आप थोड़े समय के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उस वीडियो का जो लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको वहाँ से भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो अभी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे प्राइस के डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्राइस का डिफरेंस जो बेसिकली रहता है एक सबसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस इसमें रहता है कि आखिर किसका प्राइस कितना है। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे लेमिनेट्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं तो लेमिनेट्स का जो प्राइस जो रहता है वो बेसिकली आप लोगों का स्टार्टिंग रेंज उसकी अगर आप लोग ऐसे लोकल अगर आप लोग प्रेफर करते हैं उसको लेना तो लगभग आप लोगों को 600 रुपीज़ या 700 रुपीज़ पर शीट के हिसाब से ऐसे स्टार्टिंग उसकी हो जाती है। और अगर हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम में जाएं आप कोई ब्रांडेड कंपनी का जैसे सेंचुरी या ग्रीन लैम वगैरह हो गई उन सब का अगर आप लोग एक बहुत ज़्यादा हाई एंड वर्जन अगर उसका भी अगर आप लोग लेते हैं तो वो बेसिकली आप लोगों को 5,000 रुपीज़ तक आप लोगों का मैक्सिमम आप लोगों को पड़ता है पर शीट के हिसाब से। तो इस रेंज में आपकी लेमिनेट जो रहती हैं इस रेंज के करीब करीब इसमें हो जाती हैं। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें आपके वीनियर्स के बारे में तो वीनियर्स की जो स्टार्टिंग जो रेंज रहती है वो बेसिकली आपका 2500 या 2400 रुपीज़ के हिसाब से स्टार्टिंग होती है। और जैसे नॉर्मल अगर देखा जाए तो नॉर्मली ये बेसिकली आपका 10,000 रुपीज़ पर शीट के हिसाब से ये नॉर्मली रहती है। लेकिन अगर आप लोगों को इसमें और भी ऐसे वेरिएशंस रहते हैं जैसे कि आपका कुछ कुछ ऐसे वीनियर्स रहते हैं जो कि कम्प्लीटली ऐसे एक्सक्लूसिव और रेयर टाइप की स्पीशीज से मिलते हैं, यानी कि कोई ऐसे रेयर टाइप की वुड की यानी कि स्पीशीज है ट्री की जो कि बहुत ज़्यादा कम ऐसे मिलती है, तो बेसिकली उससे जो भी वीनियर ऐसे बनता है तो वो जैसे कि वर्ल्ड में कुछ ऐसे 5-10 या 15-20 स्पीशीज उसके निकलते हैं। तो उसको उसके कारण ये बहुत ज़्यादा वो वाले जैसे जो रहते हैं आपके रेयर टाइप के स्पीशीज के ये बहुत ज़्यादा आप लोगों का कॉस्ट इसका बढ़ जाता है। तो बेसिकली आपका 35,000 रुपीज़ पर शीट के हिसाब से भी वीनियर आपकी पहुँच जाती है अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अगर आप ऐसे एक्सक्लूसिव टाइप के अगर लेना चाहें तो। ये खैर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कौन सा लेना है। और इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और ऐड यहाँ पे करना चाहूँगा कि
जैसे एक्सक्लूसिव टाइप के जो विनियर्स है जो सब की ऐसे आपके 10,000 के भी ऊपर जो सबका प्राइस जो सबका जाता है, वो हो सकता है कि आप लोगों को हर जगह पे आप लोगों को वो अवेलेबल ना मिले। तो अगर मान लीजिए अगर आप लोग कोई मेट्रो सिटी या कोई किसी बड़ी मेट्रो सिटी में अगर आप लोग नहीं रहते हैं तो हो सकता है कि वो आप लोग को ना मिले। तो काफ़ी सारे लोग बेसिकली ऐसा भी करते हैं कि दिल्ली या मुंबई से उसको सीधा वो लोग अपने शहर तक उसको ट्रांसपोर्टेशन ऐसा करवा लेते हैं, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट उन लोगों का अलग पड़ता है। तो खैर ये बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कौन सी चीज़ को आप लोगों को यूज़ करना है, वो आपके टेस्ट के ऊपर आपके प्रेफरेंस के ऊपर वो डिपेंड करता है। और बेसिकली आप लोग को जो लेना चाहे आप लोग वैसा आप लोग करवा सकते हैं। तो अभी ये बात हो गई इस वीडियो के बारे में। आई होप कि आप लोगों के काफ़ी सारे या ऑलमोस्ट सारे ही आपके डाउट्स इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर आप लोगों को अभी भी अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है या अगर आप लोग कुछ ऐसा पूछना है तो आप लोग ऑफकोर्स आप लोग बेझिझक होकर के आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ऐसा अपना सवाल पूछ सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी मैं आपको कुछ आपका रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आप लोगों को कोई डिफरेंट टाइप की अगर कोई आपको वीडियो आपको चाहिए, कोई आप ऐसा टॉपिक अगर आप चाहते हैं जिसके ऊपर कि मैं वीडियो बनाऊं, तो उसको भी आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग डाल दें। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ उसके बेल आइकन को भी उसके पास पर जो है उसको भी प्रेस कर दें। तो अभी तक के लिए तो सिर्फ इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।